नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर जो सितंबर 2019 के थर्ड वीक में ईपीडब्ल्यू मैगजीन आई है उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट टाइप करना होगा राइज आईएएस, उस चैनल पे आपको सभी पीडीएफ और यहाँ से संबंधित अपडेट मिल जाएगी। तो देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हमें कौन सा आर्टिकल डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में जो काफ़ी चर्चित मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भारतीय जीडीपी की ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5% तक गिर गई है जो हाल के कुछ वर्षों में सबसे कम है। और दोस्तों अगर देखा जाए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इस दौरान कम हो गया है। अगर इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का हम विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो ज़्यादातर उत्पादक क्षेत्र है ना जैसे एग्रीकल्चर हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर में बहुत ज़्यादा सुस्ती देखने को मिल रही है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी विनिर्माण सेक्टर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है इसकी हालत तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। और इस सब के दौरान जो प्रमुख उद्योग हैं उनकी वृद्धि भी रुक गई है, उनमें व्यापक गिरावट देखने को मिल रही है जिसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इसका प्रभाव आगे भी बने रहने की आशंका जताई जा रही है। और इस सब के दौरान रोजगार दर और टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा घट गया है जो आर्थिक सुस्ती की स्थिति को और क्लियर कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इन सब का रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है तो 2017-18 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आकलन से हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति का पता चलता है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 8% पुरुष और 3.8% महिलाएं और शहरी क्षेत्र में 7.1% पुरुष और 10.8% महिलाएं बेरोजगारी की मार झेल रही है। दोस्तों बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज की गई है और यही बेरोजगारी विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी है वो डिमांड्स को घटा रही है। डिमांड को कैसे घटा रही है कि भाई जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा वो बेरोजगार होंगे तो खर्च क्या करेंगे, तो डिमांड अपने आप घटेगी ना। और डिमांड घटने से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी नुकसान हो रहा है। इसी कारण से बहुत से जो मेजर ऑटो कंपनियां हैं ना इन्होंने अपने कर्मचारियों को विदाउट पेमेंट छुट्टियां देने की दर बढ़ा दी है और अपने उत्पादन को घटा दिया है जिससे जो सारी सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है ये तो रोज़गार पर असर हो गया। अब देखते हैं जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसका टैक्स कलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस सब का टैक्स कलेक्शन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। औपचारिक क्षेत्र से मिलने वाला टैक्स काफ़ी घटा है क्योंकि जो इनकम जनरेशन है ना वो कम हो गई है तो इस वजह से टैक्स अपने आप घट गया है। ठीक है अगर हम कारणों की बात करें कि इन सब के पीछे कारण क्या है, इस आर्थिक सुस्ती के पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों नवंबर 2000 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था तभी से स्लो डाउन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसके बाद GST आया तो उसे भी उचित तरीके से लागू नहीं किया गया, उसने भी स्थिति को और बिगाड़ा और जो ऑयल प्राइसेस है उनमें भी लगातार फ्लक्चुएशन होता रहता है, जो अगर ऑयल्स के रेट बढ़ जाते हैं तो भी काफ़ी चीज़ें नकारात्मक हो जाती हैं। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो अगर किसी भी तरह से प्रभावित होता है ना तो उस सब का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और ऐसा ही हो रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं है, डिमांड कम है तो वो सबको फिर मिक्स कर रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव इस सब का पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो RBI है और भारतीय सरकार है वो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को घटा दिया है, पहले भी घटाया था और अभी और घटाया है। अब यहाँ पे रेपो रेट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि क्या होती है रेपो रेट, वह दर होती है
वह ब्याज दर होती है जिस पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अन्य वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, तो वो होती है रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार घटाया है और ऐसी उम्मीद की जाती है रेपो रेट घटाने के बाद कि बैंक इस घटी दर का फायदा कस्टमर को देगा, यानी ऋण लेना सस्ता होगा, और ऋण लेना सस्ता होगा तो क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, और क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी यानी ऋण ज़्यादा लोग लेंगे, तो अगर जैसे उद्योग ऋण लेंगे तो वो निवेश बढ़ाएंगे, कंज्यूमर लेगा तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, और अगर ये सब होगा तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। तो पहला काम तो रेपो रेट से संबंधित हुआ है। दूसरा, एक बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये देखने को मिली है इस दौरान कि जो बैंक डिपॉजिट है ना वो नहीं बढ़ रहा। वो क्यों नहीं बढ़ रहा कि लोग जो अदर सेविंग ऑप्शन है ना, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड हो गया या इंश्योरेंस हो गया या फिर गोल्ड हो गया, इनमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, और इनमें रुचि लेने के कारण बैंक डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा, और जब बैंक के पास डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर वो ज़्यादा ऋण देगा कैसे, ये एक बड़ी बात है। और इसके अलावा जो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनको 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी दी है, ये इसलिए दी है ताकि वो ज़्यादा कर्ज दे पाएँ, और अगर वो ज़्यादा कर्ज देंगे तो जो कॉरपोरेट्स हैं, व्यापारी हैं या अन्य कर्ज लेने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, और उनको फ़ायदा होगा तो उसका फ़ायदा हमारी अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। और हाल ही में सरकार ने जो एफपीआई है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है इनके जो कैपिटल गेन्स पर जो सरचार्ज लगाया था उसको भी वापस ले लिया है, तो ये सारे कदम सरकार ने उठाया है। इसके अलावा लोन मेला सरकार लगा रही है, वहाँ पे लोगों को लोन दिया जा रहा है, कंपनीज को लोन दिया जा रहा है। उसके अलावा हाल ही में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर भी घटा दी है, तो ये सारे कदम सरकार ने और आरबीआई ने उठाए हैं, यानी रेपो रेट कम की है और बैंकों को अतिरिक्त पूंजी दी है और कॉरपोरेट टैक्स घटाया है, लोन मेले लगाए हैं, सरचार्ज घटा लिया है, तो ये सब कदम सरकार ने उठाए हैं। अब इन सब कदमों को अगर हम प्रभाव देखा जाए तो जैसे हम रेपो रेट की बात करते हैं तो हमने रेपो रेट तो कम कर दिया, बट ये तभी काम करेगा ना जब पब्लिक द्वारा ऋण की मांग में वृद्धि भी हो, है ना, कि रेपो रेट हमने कम किया कि ऋण की मांग बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है ना कि बढ़ेगी ही, वो तो तभी काम करेगा कि हाँ हमने जैसा सोचा है वैसा हो जाए। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात जैसे कॉरपोरेट टैक्स की बात करते हैं, इसमें हमने छूट दी है तो इसका फायदा ज़्यादातर जो सुपर रिच हैं उनको ही मिलेगा, और उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा तो फिर देश में असमानता बढ़ सकती है, तो ये एक चीज़ सोचने वाली बात है। और तीसरी बात, जो एफपीआई को टैक्स छूट हमने दी है वो अस्थायी रूप से तो सेकेंडरी शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो पूरी इकोनॉमी सुधार की हम बात करते हैं तो उस क्षेत्र में इसका असर कम ही पड़ने की मतलब उम्मीद है या फिर आशंका है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम कंक्लूजन में देख लेते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देखो, अभी तक जो आरबीआई व सरकार ने इकोनॉमी रिवाइवल के जो कदम उठाए हैं वे किसी भी तरह से काफ़ी नहीं है, अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज है ना, इनमें आमूलचूल बदलाव किया जाए, जैसे मौद्रिक और राजकोषीय नीति में बदलाव किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व निवेश बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाए, ठीक है, और इसके अलावा निवेश तथा सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़े। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो जो आर्थिक सुस्ती है वो कम होगी। और लास्ट में एक बात हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो सुपर रिच है और स्टॉक मार्केट व्यापारी हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, बैंकर्स हैं, ऐसे बैंकर्स जो नाजायज लाभ के लिए धन की हेराफेरी करते हैं, इन सब के दबाव में ना आए और इन सब के दबाव से बचते हुए एक्टिव रूप से कार्य करें और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करें, तभी हमें इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से मुक्ति मिल सकती है। तो ये था दोस्तों पूरा आर्टिकल। अब चलते हैं आगे। अब जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है वन नेशन वन लैंग्वेज से संबंधित। हाल ही के दिनों में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है, तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी दिवस के मौके पर जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी,
इन्होंने एक सुझाव दिया कि हिंदी भारत की एक कॉमन लैंग्वेज बन सकती है और यह राष्ट्र को एकजुट बना सकती है और विश्व स्तर पर देश की पहचान बन सकती है। और गृह मंत्री के इस सुझाव के बाद ऐसा लगता है कि जो विविधता में एकता का सिद्धांत रहा है, उस सिद्धांत के स्थान पर एक रूपता में एकता का सिद्धांत को हमारी सरकार ज्यादा महत्व दे रही है। यानी पहले विविधता में एकता थी, अब ये क्या कह रहे हैं, एक रूपता में एकता। हालांकि गृह मंत्री जी ने बाद में यह पुष्टि की कि हिंदी को पूरे देश पर थोपा नहीं जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 इसके मसौदे में अनिवार्य हिंदी की शुरुआत ने पूरे दक्षिणी भारत में एक भय का माहौल पैदा कर दिया और इसके ड्राफ्ट सामने आने के बाद पूरे दक्षिणी भारत में काफी विरोध दर्ज किए गए। उसके बाद इस ड्राफ्ट को रिवाइज कर लिया गया। तो अगर हम संविधान, भारतीय संविधान में देखें कि भाषा से संबंधित क्या प्रावधान है, तो हम पार्ट 17 में पाते हैं कि जो पार्ट 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है और आर्टिकल 351 यानी 351 उसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करना संघ का कर्तव्य है ताकि यह संचार के माध्यम के रूप में काम कर सके। और जो आर्टिकल 343 वन है इसमें कहा गया है कि हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया गया है आर्टिकल 343 के तहत। देश में एक कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी है। ऐसा कहने वाले इसके पीछे क्या तर्क देते हैं, अगर उनके बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि आजकल जो भारतीय लोग हैं ना उन पर विदेशी भाषा और उसमें भी मुख्यतः अंग्रेजी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वे भारतीय भाषा के जानकार होते हुए भी अंग्रेजी में ही बात करने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब जब आप बताओ, अब जब अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो इसका नुकसान भारतीय भाषाओं को उठाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हिंदी को प्रमोट करना चाहिए ताकि यह देश की पहचान के रूप में स्थापित हो सके। और अब चूंकि भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो अगर इसे कॉमन लैंग्वेज बना दें तो देश की एकता भी से सुदृढ़ हो जाएगी। और वैसे भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो अभी है ही, तो इसे कॉमन लैंग्वेज बनाना भी ज़्यादा सही होगा और इंग्लिश या अन्य कोई विदेशी भाषा भारत के आम जन को स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसा कॉमन लैंग्वेज बनाने के पीछे जो कहते हैं कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए वो ये तर्क देते हैं, ठीक है, कि हिंदी को क्यों कॉमन लैंग्वेज बना दिया जाना चाहिए। अब दूसरे तर्क वो हैं जो कहते हैं कि वन नेशन वन लैंग्वेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो लोग क्या कहते हैं, देखो स्वतंत्र भारत में राज्यों के संगठन का एक आधार भाषा भी था जिससे भारत एक बहुभाषी महासंघ बनता है। तो अगर वन नेशन वन लैंग्वेज का सिद्धांत लागू हुआ तो वो इस सब का उल्लंघन होगा ना। और दूसरी बात है कि अभी भी कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो, जैसे मान लो तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, तो इन क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाला भी खुद को भारतीय कहलाना ही पसंद करता है। यानी तमिल तेलुगु होने तथा भारतीय होने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, अभी जो चल रहा है वो सही है। तीसरी बात है कि कॉमन लैंग्वेज का सिद्धांत विविधता में एकता का पूर्णतः उल्लंघन करता है और यही विविधता में एकता हमारी पहचान रही है, तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि अगर एक भाषा को पूरे देश पर थोपा जाता है तो एकता सुदृढ़ होने के बजाय पूरे देश में विभाजन, द्वेष, विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है, क्योंकि गैर हिंदी भाषियों को लगेगा कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, तो जो एकता की अभी माहौल है वो बढ़ने के बजाय विभाजन की तरफ देश जा सकता है। और अगला पॉइंट में कहा जाता है कि अभी क्या है कि अभी भारतीय लोग एक दूसरे की क्षेत्र की संस्कृति को, भाषा को सीखने में, समझने में, उसका आदर करने को महत्व देते हैं, बट अगर कॉमन लैंग्वेज का कंसेप्ट आ गया ना तो ये सब जो सकारात्मक चीजें हैं ना वो खत्म हो जाएगी। और एक नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जाता है कि एक भाषा हिंदी को प्राथमिकता देने से
इससे मिलती हुई अन्य भाषाएं हैं, जैसे मान लो उर्दू हो गई या कुमाऊनी हो गई, तो इन सब भाषाओं का विकास भी रुक जाएगा। तो ये सब विपक्ष में तर्क थे जिन पे हमने बात की। अब अगर हम भारत में भाषाओं की स्थिति थोड़ा देखें, तो जो पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ इंडिया का 2010 में, उसमें लगभग 780 जीवित भाषाओं की पहचान की गई, ठीक है। और उसमें यह भी पाया गया कि पिछले 5 दशकों में लगभग 220 भाषाएं समाप्त हो चुकी है, और इस समाप्त होने का मुख्य कारण था विस्थापन और माइग्रेशन। तो इन देखो जैसे भाषाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में सभी भाषाओं को महत्व देते हुए उनसे संबंधित मुद्दों को हल करने की ज़रूरत है, ताकि देश की जो अमूर्त धरोहर है ये भाषाएं, वो विकास कर सकें, ना कि लुप्त हों। लास्ट में हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भाषा का चुनाव व्यक्ति की पसंद और उसको खुद को अभिव्यक्त करने में सहजता का मामला है। कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका और मोबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए अपनी इच्छित भाषा का चयन कर सकता है। इसलिए आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज इम्पोज करना कतई जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये है कि हम लोगों को समन्वय स्थापित करने का प्लेटफॉर्म और रीजन दे, जैसे रोजगार के रूप में, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाए, और इसी से हमारी एकता मजबूत होगी, ना कि कॉमन लैंग्वेज लाने से हमारी एकता मजबूत होगी। और वैसे भी बहुभाषावाद तो हमारे देश की पहचान रही है ना, तो इसका सम्मान सबके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये था पूरा आर्टिकल और ये था पूरा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको कुछ पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।